जाति जनगणना को लेकर मामला गरमाया हुआ था, तमाम उसको लेकर जनगणना करने के बाद बातें जो है बराबर सामने आ रही थी। लेकिन इन सबके बीच में आपको बता दें कि खबर जो है वो सुब्रत पाठक को लेकर है। कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि धार्मिक जनगणना करानी चाहिए। फिलहाल इसको लेकर सियासी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो स्पष्ट कर दिया कि वो जाति जनगणना नहीं कराना चाहती, पिछड़ों को उनका हक नहीं देना चाहती, नौकरियों में उनको आरक्षण नहीं देना चाहती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हो या सुब्रत पाठक हो, पूरी की पूरी पार्टी पिछड़ों को उनके अधिकार से वंचित करना चाहती है, इसलिए बहाने ढूंढ रही है। अब वो धार्मिक जनगणना की मांग कर रही है, लेकिन देश का पिछड़ा, उत्तर प्रदेश का पिछड़ा जाग चुका है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हो या सुब्रत पाठक जैसे लोग हों, इनको देश का पिछड़ा सबक सिखाने का काम करेगा।